हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू 360 प्रॉपर्टी व्यू। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए 20x50 का 1000 स्क्वायर फीट 4BHK सेमी फर्निश्ड बंगलो। इट इज़ इन कवर्ड कैंपस इन प्रीमियम लोकेलिटी। आपको ये बंगलो मिलने वाला है और देर आर टू मैनी वाव मोमेंट्स इन ओवरऑल बंगलो। आपने ऐसी प्लानिंग 1000 स्क्वायर फीट में बहुत कम देखी होगी इन द करंट मार्केट, और वो भी इस कम बजट में। बहुत ही डिफरेंट इंटीरियर, बहुत ही डिफरेंट प्लानिंग, बहुत ही डिफरेंट कह सकते हैं कि एज अ स्पेस यूटिलाइजेशन, प्रॉपर रूम, प्रॉपर लिविंग एरिया एंड हर चीज़ बहुत ही वेल मेंटेन बनाई गई है। अगर इस वीडियो पे 400 लाइक्स आ जाते हैं इन जस्ट 2 डेज, तो आई विल शेयर द एग्जैक्ट लोकेशन एंड द प्राइस, एंड बहुत ही बढ़िया रिव्यू होने वाला है, तो प्लीज़ एंड तक देखिए, आई विल डिस्कस एवरीथिंग विथ यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज़ द फ्रंट व्यू एलिवेशन ऑफ दिस ओवरऑल 4BHK सेमी फर्निश्ड बंगलो। 20x50 की प्लानिंग, फ्रंट आपको 20 का मिल जाता है और बहुत ही बढ़िया एलिवेशन के साथ। ईस्ट फेसिंग ये बंगलो आपके लिए मिलने वाला है। अगर फ्रंट साइड की बात करें, आपको एलिवेशन टाइल्स का डिफरेंट वर्क, फ्रंट साइड पे 2-way लाइट्स और 3 सीलिंग लाइट का वर्क यहाँ पे देखने को मिलता है, एंड इट इज़ अ स्टेप अप ऑन अ बालकनी साइड, जो काफ़ी बढ़िया बनाता है इस ओवरऑल एलिवेशन को। अगर जैसे हम फ्रंट साइड की बात करें, आपको 6 फीट तक रैंप मिल जाती है ना ग्रेनाइट फॉर्म, जो काफ़ी बढ़िया हो जाती है फॉर योर आउटसाइड पर्पस और आपकी पार्किंग के लिए भी। एंड रोड की बात करें, आपको 20 फीट लॉन्ग रोड यहाँ पे मिलने वाली है। इट इज़ अनकवर्ड कैंपस, तो आपको बाहर की पार्किंग का बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। जैसे हम थोड़ा अंदर जाते हैं, तो फर्स्ट आपको मिल जाता है लैम्प इन बिटवीन, जो काफ़ी बढ़िया लगता है फ्रॉम द बंगलो पर्सपेक्टिव। आपको नेमिंग प्लेट का स्पेस मिल जाता है ऑन द राइट हैंड साइड, एलिवेशन टाइल्स मिल जाती है। एंड जैसे हम फ्रंट गेट की बात करें, आपको 10 फीट तक चौड़ा बढ़िया गेट मिल जाता है, पूरा आयरन में गेट होने वाला है एज अ डबल टोन। थिकनेस की बात करें, काफ़ी बढ़िया थिकनेस के साथ आपको ये फ्रंट एंट्री का गेट मिल जाता है, विच इज़ रियली गुड। जैसे हम घर में एंट्र करते हैं, तो आपको फर्स्ट मिल जाती है 4-wheeler पार्किंग, एंड ऑन द राइट हैंड साइड आपको 2-wheeler पार्किंग मिल जाती है। काफ़ी स्पेशियस है, 4-wheeler पार्किंग आपको 10x15 की मिलती है, तो आराम से आपकी SUV और बड़ी बड़ी कार आ सकती हैं, जो काफ़ी बढ़िया हो जाएगा। फ्रंट साइड की बात करें, आपको बिग साइज विंडो यहाँ पे देखने को मिल जाती है, विच इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर फर्स्ट बेडरूम, तो आपको वेंटिलेशन पे काफ़ी बढ़िया एक बेहतर इंप्रूवमेंट मिलता है। मल्टीपल टैप्स मिल जाते हैं, ओन बोरिंग मिल जाती है, स्टोरेज मिल जाता है, एंड साथ में ऑन द लेफ्ट साइड आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बॉक्स है पूरा कवर्ड मिलता है एज अ वुडन वन। जैसे हम घर में थोड़ा आगे जाते हैं, तो फर्स्ट आपके जो मेन एंट्री का गेट होने वाला है वो आपको 4x8 का मिलने वाला है, काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का विनियर में आपको यहाँ पे गेट मिलने वाला है। अगर हम लॉक की बात करें, आपको एनालॉग पूरा लॉक मिलने वाला है एज अ डिजिटल वन, फिंगरप्रिंट के साथ भी ओपन होगा विथ पासवर्ड एज वेल। जो थिकनेस है गेट की, आपको 8mm में पूरे थिकनेस मिलने वाली है, तो जिसकी बात करें काफ़ी बढ़िया हो जाता है। फॉर द वेंटिलेशन टू योर लिविंग एरिया, यहाँ पे आपको टफन ग्लास और रॉड का वर्क यहाँ पे देखने को मिलता है, एंड साथ में आपको कनेक्टेड यहाँ पे मॉस्किटो गेट भी देखने को मिल जाता है, विच इज़ ऑल्सो विनियर वन। तो एक बात करें, विनियर के गेट काफ़ी प्रीमियम होते हैं, काफ़ी हैवी होते हैं और काफ़ी बढ़िया प्रोडक्ट होते हैं। एंड जैसे हम घर में एंट्री करते हैं, तो आपको मिल जाता है डबल हाइट से कनेक्टेड लग्जरी लिविंग एरिया, काफ़ी प्रीमियम रेंज में आता है, एक काफ़ी डिफरेंट डिज़ाइन के साथ आपको ये पूरा लिविंग एरिया यहाँ पे देखने को मिलता है, जो काफ़ी बढ़िया लगता है। साथ में आपको यहाँ पे कनेक्टेड सिटिंग यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे सेटअप है, तो यू एबल टू सी के एक्चुअल व्यू क्या होने वाला है। बैक साइड पे पूरा वॉलपेपर का वर्क है यहाँ पे देखने को मिलता है। इन बिटवीन आपको एक सैंडल यहाँ पे एड ऑन किया हुआ है, एंड ओवर द टॉप साइड आपको सीलिंग और पूरा विनियर का वर्क देखने को मिलेगा, जो हम बाद में देखने वाले हैं। एंड जस्ट कनेक्टेड टू दिस, जैसा हमने बात करा था, टफन ग्लास और आयरन में पूरा वर्क यहाँ पे देखने को मिलता है, विच इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर लिविंग एरिया। जस्ट डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर सिटिंग एरिया आपको मिल जाता है आपका टीवी पैनल यूनिट। पूरा टीवी पैनल यूनिट अगेन कनेक्टेड होता है आपके डबल हाइट से, और आपको पूरा टीवी पैनल यूनिट आपको विनियर में देखने को मिलता है, जो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बढ़िया हो जाता है एज अ ड्यूरेबिलिटी वाइज, और काफ़ी प्रीमियम रेंज में आता है। अंडर टीवी पैनल यूनिट आपको मल्टीपल स्टोरेज यहाँ पे देखने को मिल जाता है, विच इज़ ऑल्सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्राउन एंड वाइट। जैसे हम थोड़ा आगे जाते हैं, तो आपको एक अनदर सेपरेशन मिल जाता है, वी कैन कंसिडर दिस एज अ इनफॉर्मल वन और फॉर्मल वन एज अ डिस्कशन वाइज, विच इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर लिविंग एरिया। तो लिविंग एरिया को कनेक्टेड और अलग सेपरेशन बनाने के लिए यहाँ पर आपको ओवर द टॉप साइड प्रीमियम क्वालिटी की सीलिंग विथ ग्लास वर्क यहाँ पे देखने को मिलता है, जो काफ़ी एक लग्जरी फील देता है इस ओवरऑल सेक्शन को भी। प्रीमियम क्वालिटी की आपको सोफा सेटिंग मिल जाती है, विच इज़ ऑल्सो लुक प्रीमियम,
एंड जस्ट कनेक्टेड टू दिस आपको एक पार्टीशन देने के लिए लिविंग एरिया और आपको डाइनिंग सेक्शन के लिए पूरा MDF CNC कट का वॉक यहाँ पे देखने को मिलता है, जो काफ़ी प्रीमियम रेंज में आता है। और दिस इज ओवरऑल प्लानिंग जो काफ़ी बढ़िया लग रही है और काफ़ी एक ब्यूटीफुल प्लानिंग के साथ आपको एवरीथिंग कवर्ड मिलने वाली है। जस्ट कनेक्टेड टू दिस आपको मिल जाता है एक डाइनिंग सेक्शन, आराम से यहाँ पे 6 सिटिंग डाइनिंग स्पेस मिल जाएगा। ओवर द टॉप साइड आपको यहाँ पर भी सीलिंग और बॉमलाइट का वर्क यहाँ पे देखने को मिलता है। पूरी जो टाइल्स है आपको मैट फिनिश में देखने को मिलती है, जो काफ़ी बढ़िया लगती है ओवरऑल सेक्शन को भी। एंड फ्रंट साइड की बात करें, यहाँ पर भी एक टेक्सचर वाइज आपको पूरा कॉम्बिनेटेड बनाया गया है, जिससे क्या होगा ना कि आपको हर एक सेक्शन डिफरेंट देखने को मिलेगा। आप चाहें तो इसका एक्सटेंड वर्जन बना सकते हैं टू योर टेम्पल स्पेस। टेम्पल स्पेस काफ़ी प्रीमियम डिज़ाइन किया गया है एज़ पर द मॉडर्न ट्रेंड। आपको मल्टीपल स्टोरेज यहाँ पे इंक्लूडेड मिलते हैं, साथ में आपको एक प्रीमियम क्वालिटी का CNC वॉक यहाँ पे देखने को मिलता है ऑन एक्रेलिक शीट, जो काफ़ी बेहतर बनाता है इस ओवरऑल टेम्पल स्पेस को भी। एंड जस्ट इन फ्रंट ऑफ द डाइनिंग सेक्शन आपको मिल जाता है प्रीमियम क्वालिटी का मॉडुलर किचन, काफ़ी बढ़िया और काफ़ी डिफरेंट डिज़ाइन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। पूरा यू शेप में आपको पूरा किचन सेटअप मिलने वाला है, विच इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर वॉश एरिया। अगर हम फ्रंट साइड की बात करें, फर्स्ट आपको जो प्लेटफॉर्म मिलने वाला है क्वार्ट्स में देखने को मिलता है। गैस हॉब की बात करें, आपको इनबिल्ट आपको स्पेस यहाँ पे मिलने वाली है, जो काफ़ी बढ़िया हो जाती है आपके गैस हॉब के लिए। एंड जस्ट ऑन द टॉप साइड आपको यहाँ पे चिमनी कनेक्टेड मिलने वाली है, विच इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर वॉश एरिया एज अ आउटर वाइज, तो आपको कुछ भी तोड़फोड़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम कैबिनेट्स की बात करें, आपको मल्टीपल्स कैबिनेट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं एज अ क्रोम फिनिश। अंदर भी आपको पार्टीशन देखने को मिल जाता है एज अ टफन ग्लास वाइज, तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। एंड अंडर दिस स्टोरेज वाइज आपको टैंडम बॉक्स में मल्टीपल स्टोरेज यहाँ पे मिलने वाले हैं, विच इज़ रियली गुड एंड इट इज़ अ सॉफ्ट वन। एंड जस्ट कनेक्टेड टू दिस काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन के साइज आपको टाइल्स का वर्क यहाँ पे देखने को मिलता है, प्रोफाइल लाइट्स लगना बाकी हैं। एंड अंडर द कैबिनेट्स आपको प्रोफाइल लाइट का वर्क भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। इन बिटवीन साइलेंट सिंक मिल जाता है, जगुआर की फिटिंग्स मिल जाती है, हॉट वाटर कोल्ड वाटर दोनों का आपको सेक्शन यहाँ पे मिलने वाला है। एंड आपको एक स्मॉल सी विंडो मिल जाती है फॉर योर एक्स्ट्रा वेंटिलेशन, विच इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर किचन सेक्शन। आपको इस मॉडुलर किचन और डाइनिंग स्पेस से कनेक्टेड आपको एक वॉश एरिया का सेक्शन मिल जाता है। विंडो की बात करें, टू आपको ग्लास पैनल देखने को मिल जाती है डोमाल के अंदर और मॉस्किटो ग्रिल के साथ। पूरा जो वॉश एरिया है काफ़ी स्पेशियस है, आराम से आपकी वॉशिंग मशीन आ जाएगी, अदर यूटेंसिल्स आ जाएंगे, और आपको फ्रंट साइड में एक प्लेटफॉर्म भी यहाँ पे एड ऑन किया हुआ है फॉर योर एक्स्ट्रा वॉशिंग। आपको मैंने बताया था आपको विंडो भी मिल जाती है जस्ट कनेक्टेड टू योर किचन, तो आपको वेंटिलेशन के लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली। एंड 8 फीट तक आपको यहाँ पे टाइल्स का वर्क देखने को मिलता है, बिकॉज इट इज़ अ लिक्विड एरिया, तो कुछ भी चीज़ें डैमेज यहाँ पे नहीं होने वाली। तो दिस इज़ द ओवरऑल सेक्शन जो काफ़ी बढ़िया था, काफ़ी वेल डिज़ाइन था। एंड जस्ट इन फ्रंट ऑफ द कॉमन सेक्शन आपको मिल जाता है आपका स्टेयर का सेक्शन, एंड काफ़ी वेल यूटिलाइज करके आपको यहाँ पे प्रॉपर स्पेस यूटिलाइजेशन ऑलरेडी देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप अपना एक्स्ट्रा स्टोरेज और बाकी की चीज़ें यहाँ पे रख सकते हैं। सिंक आपको मिल जाता है फॉर योर डाइनिंग पर्पस और अदर पर्पस के लिए। हैंड वॉश का सेक्शन यहाँ पे आपको मिलने वाला है, विच इज़ लाइक हैंड वॉन मिरर के साथ। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट बेडरूम साइड, विच इज़ ऑन द ग्राउंड फ्लोर। जैसे हम बेडरूम में एंटर करते हैं तो आपको मिल जाता है एक स्पेशियस बिग साइज मास्टर बेडरूम। आप कंसिडर कर सकते हैं फॉर योर पेरेंट्स, बिकॉज पेरेंट्स अप डाउन नहीं कर सकते, तो आपके पेरेंट्स के लिए ये बेडरूम आप डिफाइन कर सकते हैं। ओवर द टॉप साइड आपको प्रीमियम क्वालिटी की फॉल सीलिंग, बॉमलाइट का वर्क यहाँ पे देखने को मिलेगा। फ्रंट साइड में आपको एक एक्स्ट्रा टेक्सचर के लिए वॉलपेपर एड ऑन है विथ सीलिंग लाइट्स। वेंटिलेशन के लिए आपको यहाँ पे सेक्शन मिलने वाला है ग्रिल के साथ, डोमाल में पूरा सेक्शन यहाँ पे मिलने वाला है, जो काफ़ी एक प्रीमियम लुक देता है फ्रॉम द फ्रंट साइड और एक लग्जरी फील भी देता है इनसाइड से। अगर हम गेट की बात करें, 3.5x7 का गेट मिलने वाला है, पूरा विनियर में आपको गेट मिलने वाला है फॉर अ लॉन्ग रन, विच इज़ रियली गुड। एंड जस्ट कनेक्टेड टू दिस आप कह लो अटैच, आप कह लो कॉमन वन, आपको वॉशरूम मिल जाता है। वॉशरूम आपको इंडियन मिलता है बिकॉज इट इज़ कंसिडर्ड एज अ पेरेंट्स वन। पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं, तो दैट्स वाई वी कम विथ अ डिफरेंट अप्रोच कि आपके जो वॉशरूम है आपको इंडियन में मिलता है और आपको जो चौखट मिलती है आपको वाइट स्टोन में मिलती है। पूरा जो सेक्शन है काफ़ी बढ़िया तरीके से डिज़ाइन किया गया है, एंड दिस इज़ लाइक ओवरऑल गुड प्लानिंग। स्टेयर सेक्शन की बात करें, फर्स्ट जो आपको रेलिंग मिलने वाली है आपको सागवान में देखने को मिलती है एज अ प्योर वन विथ टफन ग्लास के साथ। जो आपको टप्पे मिलने वाले हैं 3 फीट के टप्पे मिलने वाले हैं। इन बिटवीन स्टेयर केसेस पे आपको एक वॉल आर्ट का डिफरेंट वर्क देखने को मिलता है, जो काफ़ी बढ़िया बनाता है इस ओवरऑल स्टेयर केसेस को भी। एंड जैसे अपने फर्स्ट फ्लोर पर हम आ जाते हैं तो आपको मिल जाता है पूरा लुक एज अ डबल हाइट वन। ओवर द टॉप साइड आपको पूरा विनियन वर्क यहाँ पे देखने को मिलता है विथ सीलिंग लाइट के साथ। इन बिटवीन आपको यहाँ पे सैंडल एड ऑन किया हुआ है। बैक साइड में आपको थर्ड बेडरूम मिलने वाला है, फ्रंट साइड में आपको सेकंड बेडरूम मिलने वाला है।
जैसे हम अपने सेकंड बेडरूम में एंटर करते हैं तो आपको मिल जाता है एक स्पेशियस लग्जरी डिजाइन के साथ मास्टर बेडरूम। ओवर द टॉप साइड आपको सीलिंग एंड प्रोफाइल लाइट का वर्क यहाँ पे भी देखने को मिलता है, जो काफी एक एनहांस लुक क्रिएट करता है एज अ ओवरऑल बेडरूम। फ्रंट साइड की बात करें, आपको यहाँ पे टेक्सचर वाइज डिफरेंट वॉलपेपर का वर्क देखने को मिलता है, वेट्रीफाइड टाइल्स आपको इंक्लूड्स मिलती है। एंड जस्ट कनेक्टेड टू दिस बेडरूम आपको मिल जाता है बालकनी सेक्शन, जो आपको स्लाइडर विंडो मिलने वाली है, आपको टफन ग्लास और डोमाल में मिलने वाली है। एंड जो बालकनी का स्पेस है काफ़ी स्पेशियस है, आराम से 6 लोग आराम से यहाँ पे बैठ सकते, इतनी बड़ी बालकनी है और काफ़ी एक लग्जरी फील भी देता है फ्रॉम द फ्रंट साइड। आपको यहाँ पे भी रेलिंग और टफन ग्लास, सागवान और टफन ग्लास के फॉर्म में देखने को मिलती है। 2-way lights फ्रंट साइड पे देखने को मिलती है एज अ ओवरऑल एलिवेशन पे, जो काफ़ी बढ़िया बनाती है इस ओवरऑल एलिवेशन को भी। एंड दिस बेडरूम से कनेक्टेड आपको एक ड्रेसिंग रूम भी मिलने वाला है फॉर योर एक्स्ट्रा स्टोरेज, कवर्ड सेक्शन भी यहाँ पे मिल जाता है। जस्ट कनेक्टेड टू दिस आपको मिल जाता है मास्टर वॉशरूम। वॉशरूम का जो डिज़ाइन है डिफरेंट सेक्शन में आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, आपको सिंक मिल जाता है, कबोर्ड मिल जाता है, सावर सेक्शन मिल जाता है। साथ में ओवर द टॉप साइड आपको एक्रेलिक शीट का वर्क यहाँ पे एज अ ब्यूटिफुल CNC कट के साथ देखने को मिलता है, जो काफ़ी बेहतर बनाता है इस ओवरऑल वॉशरूम को भी। एंड जो चौखट आपको मिलती है आपको वाइट स्टोन में देखने को मिलती है। सो दिस इज अ ओवरऑल सेक्शन ऑफ दिस सेकेंड बेडरूम, जो काफ़ी लग्जरी फील देता है इस ओवरऑल घर को भी। एंड जैसा आपने देखा होगा बहुत कम घर होते हैं जो वेल मेंटेन होते हैं, वेल डिज़ाइन होते हैं, एंड दिस इज वन ऑफ द गुड डिज़ाइन इन दिस 1000 square feet। अनदर आपको थर्ड बेडरूम मिल जाता है विच इज़ ऑन द बैक साइड, काफ़ी बड़ा है एज कम्पेयर टू द सेकेंड बेडरूम, काफ़ी बिग साइज है। आपको फ्रंट साइड में अगेन डिफरेंट वॉलपेपर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ओवर द टॉप साइड आपको प्रीमियम क्वालिटी फॉल सीलिंग एंड बॉम लाइट का वर्क देखने को मिल जाता है। फॉर द वेंटिलेशन एंड सनलाइट पर्पस आपको वॉश एरिया से डायरेक्टली कनेक्टेड एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाता है, जिससे क्या होता है ना कभी भी सफोकेशन जैसी चीज़ें नहीं होती हैं। एंड जस्ट कनेक्टेड टू दिस आपको ड्रेसिंग रूम एंड वॉशरूम डायरेक्टली कनेक्टेड मिलते हैं, एंड एज पर द मॉडर्न डिज़ाइन आपको पूरा वॉशरूम है एक टफन ग्लास के डिफरेंट पार्टीशन के साथ देखने को मिल जाता है एज अ ओवरऑल बाथ सेक्शन। आपको कमोड डिफरेंट सेक्शन देखने को मिल जाता है, सिंक डिफरेंट सेक्शन देखने को मिल जाता है, एंड आपका ड्रेसिंग रूम भी अलग मिलता है। तो जैसा आपने देखा दिस इज़ वन कैबिनेट बट एवरीथिंग इज लाइक 2 partition की हर चीज़ें आपको वेल यूटिलाइज देखने को मिले ना घर। और सच टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन, सच टाइप ऑफ प्लानिंग कम्स वंस इन अ वाइल। अगर आपने ऐसी प्रॉपर्टी मिस कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू गोइंग टू रिग्रेट। एंड जैसे अपने सेकेंड फ्लोर पर आ जाते हैं आपको अनदर एक कॉमन सेक्शन देखने को मिल जाता है, प्रीमियम क्वालिटी फॉल सीलिंग एंड बॉम लाइट का वर्क यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो काफ़ी बढ़िया बनाता है इस ओवरऑल सेक्शन को भी। एंड जस्ट कनेक्टेड टू दिस आपको बैक साइड में एक 4th bedroom मिलने वाला है। यस इट इज़ 4 BHK। एंड जैसा आपने देखा काफ़ी बिग साइजेस के आपको मास्टर बेडरूम मिलने वाले हैं। 4th bedroom आपको मास्टर मिलने वाला है, एंड सिमिलरली एज कम्पेयर टू द 3rd bedroom यहाँ पे आपको वॉशरूम में जकूजी वगैरह आप प्लान कर सकते हो, बिकॉज जो वॉशरूम है काफ़ी बिग साइज है। यहाँ पे आपको ड्रेसिंग रूम का सेक्शन हटाकर पूरा मास्टर वॉशरूम दिया गया है, ताकि आप अपनी जकूजी वगैरह, एक्स्ट्रा टब वगैरह और मल्टीपल चीज़ें यहाँ पे आप एड ऑन कर सकते हैं, जो काफ़ी बेहतर बनाता है इस ओवरऑल मास्टर बेडरूम को भी। एंड जस्ट इन फ्रंट ऑफ दिस आपको फ्रंट साइड में स्पेशियस टेरेस मिलने वाला है एंड बाकी की चीज़ें मिलने वाली है। तो जैसा आपने देखा बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी होने वाली है और काफ़ी जल्दी सोल्ड आउट होने वाली है। अगर आप ऐसी प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो प्लीज़ कॉल अस ऑन द गिवन नंबर, बिकॉज ये प्रॉपर्टी लिमिटेड टाइम के लिए है अवेलेबल और बहुत ही प्रीमियम लोकेशन पे है। और प्राइस की बात करें बहुत कम प्राइस में आपको मिलने वाली है। डेफिनेटली यू नीड टू कॉल ऑन द गिवन नंबर और जल्दी से जल्दी कॉल कीजिए और ग्रैब दिस डील। और अगर आपको ऐसी वीडियो देखते रहना है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, और हर हफ्ते हम आपके लिए एक नई प्रॉपर्टी लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।